सो आप लोगों को ये मेरे बालों में हल्के फुल्के कर्ल नजर आ रहे हैं, वायरल। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आंख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद। गली में आ चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल देसी फैशन वर्ल्ड। सो गाइज, आज का ये मीशो हॉल आप लोगों का फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही ज्यादा प्यारे से कपड़े लेकर आई हूं मैं, क्योंकि मेरे खुद के फेवरेट हैं और मुझे काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ जल्दी से अनबॉक्सिंग करने के लिए। अनबॉक्सिंग वर्ड क्यों मेरे मुंह पे चढ़ गया ये समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब ज्यादा बातें हो गई अनबॉक्सिंग। जैसे लहंगा चोली के साथ जो कि येलो कलर में है, ये देखो कलर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, और देखो इस तरीके से आया है ये, और ये जॉर्जेट में है। इसका जॉर्जेट हाथ में लेके अभी बता रही हूँ, पहना नहीं है मैंने, बहुत स्मूथ जॉर्जेट है। येलो कलर का लहंगा चोली एंड दुपट्टा है ये, तो मॉडल पिक्चर की तरफ लेके जा रही हूँ स्क्रीन पर। स्क्रीन में आप देखो जो नीचे इसका लहंगा है ना, वो बिल्कुल जो है फ्लोर लेंथ तक लहंगा नहीं है, ये नी से थोड़ा सा नीचे है और एंकल से ऊपर लहंगा है, तो ये मुझे कुछ टॉप टाइप ज्यादा लग रहा था, मतलब ये एक इंडो वेस्टर्न लहंगा लग रहा था। तो तरीके का है ये लहंगा, जहां पर आपको ऐसे बेल्ट मिल जाती है और ये अनस्टिच मिलता है आपको। ये जॉर्जेट मटेरियल है, इसके ऊपर आपको सीक्वेंस मिल रहे हैं, और जो सीक्वेंस है ये बड़े बड़े सीक्वेंस हैं, सितारे, प्रॉपर सितारे हैं, और इन सितारों के चारों तरफ आपको मिलता है एम्ब्रॉयडरी का काम। जॉर्जेट तो भाई बहुत अच्छी है इसकी, और इस देखो यहाँ पर पूरा इसके घेरे के ऊपर भी सितारे का काम है, पिंक मजेंटा कलर है, और साथ में नीचे टेसल्स भी लगे हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली सेम आया है, टेसल्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसके अंदर आपको मिल जाता है क्रेप का इनर। क्रेप काफी पतले से कपड़े का है, जो कि काफी सॉफ्ट है और काफी अच्छा रहेगा, मतलब कि पहनना चाह रहे हो होली के फंक्शन पे, मतलब होली खेलते टाइम नहीं, ऑब्वियसली किसी से मिलने जाना है, घर जाना है जैसे अपने ही, तो आप होली खेलने के बाद नए कपड़े जैसे पहनते हैं ना, तो वैसे आप पहन सकते हो। इसकी जो कोटी है वो कुछ ऐसे आई है, जैसी दिख रही थी बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन लग रहा है मुझे, ऑब्वियसली बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, कुछ आगे से इस तरीके का पैटर्न, अप वाला नेक है, हाई वाला। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है पूरी थ्रेडवर्क वाली, और ये मशीनी एम्ब्रॉयडरी है, जैसे कि यहाँ से बैक से पता लगेगा आपको। इसमें ये स्लीव्स नहीं दे रखी, अंदर अटैच नहीं है, ये भी जॉर्जेट मटेरियल में है, बैक से आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ कोई हुक नहीं दे रखी, डोरी नहीं दे रखी, बस इसको ऐसे ही छोड़ रखा है, मतलब यहाँ पे एक हुक लगाना चाहिए था। क्वेश्चन है, ये राउंड में डिजाइन है जिसमें टैसल लगे हुए हैं, जो कि आपको आगे तक आएगा टमी के ऊपर। इसके साथ आपको मिल जाता है दुपट्टा, ये है इसका दुपट्टा, दुपही है ये, देखो ये है इसकी लेंथ, और वेट तो अच्छी खासी दे रखी है, जॉर्जेट में है। इसका जो जॉर्जेट है और जो लहंगे और टॉप का जो जॉर्जेट है, दोनों के जॉर्जेट में फर्क है। जो ये वाला जॉर्जेट है ना, ये थोड़ा सा फिसलने वाला जॉर्जेट है, देखिए एम्ब्रॉयडरी बहुत बारीक वाली एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये देखो। तो लहंगा चोली है, इसका मीशो प्राइस है 1718, और अगर आपको रीसेलिंग में चाहिए तो यहां से आपको मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कि 1400 शिपिंग फ्री। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला आउटफिट, और इसके साथ ना मैंने ये पार्सल की जो पॉलिथिन है ना उसको फेंका भी नहीं है। मैं जनरली नहीं फेंकती हूँ जब तक कि ट्राई ऑन नहीं कर लेती, बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता होता कि ये जो पार्सल आया है पहन के मुझे कितना फिट आ रहा है। मान लो बाई चांस मुझे रिटर्न करना पड़ा तो मैं डेट भूल जाऊंगी और ये पार्सल अटक जाएगा। एक गाउन है, और ये देखो कलर इसका डार्क पर्पल कलर है, इस तरीके की लूप्स में बटन्स, ये पास से दिखाती हूँ आपको, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बटन मिल जाएंगे। जॉर्जेट मटेरियल है, राउंड नेक है, और यहाँ पर स्लीव्स भी आपको फुल मिलेंगी। जॉर्जेट की क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ पर आपको मिल जाती हैं इस तरीके की गैदर्स, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है गाउन। नीचे आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, एंड एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लग रही है, फ्रंट पे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, पूरा फ्लोर लेंथ वाला गाउन है, और यहाँ पर बैक से आपको ऐसे मिलेगा,
जिसमें ना आपको मिल जाती है टेसल टेसल बहुत अच्छी लग रही है इसकी, काफी डिफरेंट लग रही है एंड गाउन भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसका इनर दे रखा है जो कि काफी सॉफ्ट है और बॉटम नहीं मिलती, दुपट्टा मिलता है नेट का, और नेट का जो दुपट्टा है उसके किनारे पर आपको इस तरीके से मिल जाती है फेक मिरर और एम्ब्रॉयडरी मिल रही गोल्डन कलर की, साथ में बीच बीच में आपको इस तरीके की स्वीटी नेट में है। और ये है इसकी लेंथ, ये देखो ऐसे 2.5 मीटर का दुपट्टा है एंड प्रॉपर दे रखा है, और दुपट्टा भी देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अफोर्डेबल है। मीशो प्राइस है 986 रुपीज और यहाँ पर आपको मिलता है और भी अच्छे प्राइस में 700 शिपिंग फ्री। नेक्स्ट आउटफिट है वो एक सीक्वन गाउन है, ये इस तरीके से वी नेक में मिलेगा आपको और ये है जॉर्जेट मटेरियल में। इसकी सीक्वन वर्क बहुत अच्छी लग रही है, पूरे फ्रंट पर और बैक पर आपको सीक्वन का काम मिलेगा। काफी हैवी गाउन है और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, कोई भी मैरिज फंक्शन या पार्टी का फंक्शन या एंगेजमेंट वगैरह अटेंड करने के लिए आप आराम से पहन सकते हो उसको। जॉर्जेट मटेरियल भी बहुत अच्छा लग रहा है, इनर में आपको क्रेप मटेरियल मिल रहा है और ये पूरा फ्रंट पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। सो डिजाइन इसका कुछ इस तरीके से है, ये देखो फ्रंट पर आपको सीक्वन का वर्क मिल रहा है, साइड में यहाँ पर फ्रिल्स मिल रही हैं और ये फ्रिल्स जो है ना यहाँ तक बस तक आने के बाद नीचे से ऐसे ओपन है, पूरा लेस टाइप अटैच कर रखी है जिसके ऊपर ना फेक मिरर लगे हुए और एम्ब्रॉयडरी हो रही है। बैक से भी सेम टू सेम मिलेगी। सो फ्रंट और बैक में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक बेल्ट दे रखी है इस तरीके से डोरी टाइप में, इस तरफ भी दी हुई है ये रही। सो आप इसको बैक से ना टाई कर सकते हो ऐसे, सो दैट की एक अच्छी सी फिटिंग आ जाएगी आपकी। 1787 मीशो प्राइस है, थोड़ा सा प्राइसी है बट उसके अकॉर्डिंग ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस है और ये ड्रेस पिक्चर में भी बहुत प्यारी लग रही थी और इनफैक्ट आई भी बहुत प्यारी है। ये इस तरीके की ड्रेस है, दिखने में तो बहुत प्यारी लग रही है, बाकी इसकी फिटिंग बताएगी कि कितनी अच्छी है, क्योंकि कई ड्रेसेस ना दिखने में बहुत अच्छी होती हैं, अगर उनकी फिटिंग अच्छी नहीं आती ना तो मजा नहीं आता। मैं आपको पहले मॉडल पिक्चर से थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, इसमें ऊपर इनर दे रखा है, नीचे दे रखा है धोती स्टाइल का पैटर्न जो बॉटम है, और ऊपर से श्रग दे रखा है जो कि दिख रहा है कि ऑर्गेन्जा मटेरियल में है। यहाँ पर कॉटन वर्ड यूज किया गया है कि कॉटन का टॉप है, लेकिन ये कॉटन नहीं है, ये सैटन सिल्क का ब्लाउज टाइप में है। एक्सेल में ही मैंने मंगाया था बट मुझे थोड़ा लूज ही लग रहा है, एक्सेल वाला भी ना ऐसे लग रहा है थोड़ा लूज है, बट चलो लूज का तो इलाज है, लेकिन ना जो टाइट आ जाए उसका कोई इलाज नहीं है। इसका शायद क्रॉप टॉप आएगा, लेकिन ये प्रॉपर ब्लाउज बन के ही आया है, साटन सिल्क में, और यहाँ पर जापान सिल्क यूज किया गया वर्ड जो कि बहुत जो मुझे समझ में आता है ना, साटन में एक मोटा वाला जो होता है फैब्रिक वो सैटिन का होता है, सिल्क के साथ मोटा फैब्रिक, पतला भी आता है लेकिन जो थोड़ा मोटा होता है उसको सैटिन बोलते हैं, और जो जापान सिल्क होता है ना वो आगे पीछे दोनों से बिल्कुल एक जैसा होता है और सिल्क होता है, और बिल्कुल पतला वाला सिल्क होता है उसको कहते हैं जापान सिल्क, जैसा कि मुझे समझ में आता है। सो ये है जापान सिल्क और इस तरीके से ब्लाउज का मटेरियल दे रखा है, मतलब जो पूरा ब्लाउज दे रखा है। ये है इसका बैक, सो अंदर इनर दे रखा है, इसके अंदर जो इनर है वो क्रेप का दे रखा है। पीछे से फिनिशिंग तो प्रॉपर सही लग रही है बट साइड में कोई जिप विप नहीं दे रखी, सो आपको ऐसे ही पहनना पड़ेगा, मतलब हुक भी नहीं दे रखा, जिप भी नहीं दे रखी, ऐसे ही पहनना पड़ेगा। एंड इसमें प्लीट्स दे रखी हैं इसे फ्रंट पे और बैक पे। इसका बॉटम, और बॉटम कुछ ऐसे है, ये देखो जैसे धोती टाइप में कुछ दे रखा है इस तरीके से, ये तरीके का स्टाइल दे रखा है, जैसे हम साड़ी की प्लीट्स बांधते हैं ना, कुछ ऐसे प्लीट्स बांधी हुई हैं, लेकिन एक ही तरफ ना बांध के हाफ इधर से और हाफ इधर से प्लीट्स बांध के इसको ऐसे टक करके स्टिचिंग कर रखी है, और काफी सुंदर सा पैटर्न और डिजाइन लग रहा है इसका। सो ये भी जापान सिल्क में है, इसके अंदर इनर में दे रखा, वेरी स्ट्रेंज, और देख लेती हूँ। सो इनर नहीं दे रखा है इसमें, इट्स वेरी स्ट्रेंज यार, जापान सिल्क है और हालांकि फ्रंट पर गैदर्स हैं लेकिन बैक में तो बहुत ही ज्यादा, यार देखो ना ये, मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका ट्रांजी लुक। मुझे ऐसा लगता है कि इसके नीचे इनर होना मस्ट था,
साइकिलिंग शॉर्ट या आपको अपनी कोई भी लेगिंग वगैरह पहननी पड़ेगी बिकॉज विजिबल हो सकता है थोड़ा सा. पैटर्न बहुत प्यारा लगा और अगर मैं आपको भी प्राइस बताऊंगी ना तो आपको प्राइस भी बहुत अच्छे लगेंगे. सो यू हैव टू डू वन थिंग इन दिस ड्रेस कि आपको इसके नीचे या तो अपना इनर लगवाना पड़ेगा और या फिर आपको इसके नीचे पहननी पड़ेगी साइकिलिंग शॉर्ट या फिर कोई भी थोड़ी लॉन्ग वाली क्या कहते हैं लेगिंग. सो ये फ्रंट में जिप दे रखी है, मैं बताना ही भूल गई आपको, ये ऐसे. सो ये तो काफी अच्छा लग रहा है, इसका स्टिचिंग भी बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पर भी दे रखा है कि ये एक्सेल साइज में है. मैं यही चीज देख रही थी कि ना नॉर्मल ना आ जाए क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि श्रग हो इसके साथ और ये श्रग ही आया है. दिस इज कूल और डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अगर इनर नहीं भी है ना तब भी इस ड्रेस में बहुत बहुत प्यारा सा एक डिफरेंट सा एक वाइब आ रहा है. दिस इज दी श्रग और इसके साथ जो ऊपर इसके डिजाइन दे रखा है ना वो भी देख सकते हो आप, काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है. सो ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड उसका पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है. ऑर्गेन्जा है ये, हालांकि मुझे ऑर्गेन्जा इतना पसंद नहीं है. अगर दुपट्टा होता तो डेफिनेटली मैं बोलती कि यार ठीक है ऑर्गेन्जा है, लेकिन ये श्रग है ना तो आई जस्ट लव दिस पैटर्न, आई जस्ट लव दिस ड्रेस. इसका प्राइस है वो है 1211 मीशो प्राइस और यहाँ पर आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, दैट इज 999 रुपीज. और बची है थैंक गॉड, काफी सारे लोग बोल रहे होंगे थैंक गॉड. सो दिस इज अ गाउन जो कि बहुत बहुत कूल वाइब वाला है, रेयन मटेरियल में कलरफुल, बिल्कुल कलरफुल वाला गाउन है और ये व्हाइट कलर में, जो कि अभी आजकल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं और होली भी आने वाली है. सो इस तरीके के गाउन्स बहुत ही प्यारे लगेंगे. सो रेयन मटेरियल में इसका नेक आप देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है पूरा, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है, साथ में फेक मिरर है और ये इस तरीके की लेस लगी हुई है. ये आपको मिलता है क्वार्टर स्लीव्स में, स्लीव्स के ऊपर भी सेम टू सेम इसी तरीके की एम्ब्रॉयडरी है. यहाँ पर आपको बस्ट के नीचे इतने पोर्शन में ये सेम पैटर्न दे रखा है जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है. यहाँ पर आपको फ्रिल्स मिल जाती हैं, इस तरीके से डिजाइन मिलता है और फिर अगेन से नीचे इस तरीके से फ्रिल वाला ये डिजाइन मिल जाता है. सो काफी कूल लग रही है ये, बैक से इस तरीके की है. इसका जो मीशो प्राइस है दैट इज रुपीज 455 रुपीज, जो कि बहुत अफोर्डेबल है एंड इस अफोर्डेबल ड्रेस की मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. टुडेज वीडियो, आज का ये हॉल कैसा लगा, सारे आइटम्स आपको कैसे लगे, कौन सा आइटम सबसे अच्छा लगा, तो जल्दी 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 से लाइक कर दो अगर ये वीडियो पूरा देख लिया और पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर देना. मैं आपसे मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग एक और न्यू हॉल के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.